चलो चलो, बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करें, बट थोड़ी सी बकवास सुन लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कायला को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठी हुई थी, और अभी कायला की एज ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लाइक वो अभी टीनेजर थी, 17 या फिर 18। अभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे हग कर लेती है पीछे से और कहती है, कायला कैसी हो तुम? कायला कहती है, मैं ठीक हूँ। अब वो लड़की उसके पास ही बैठ जाती है। अब वो लड़की कहती है, तो मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाओगी कायला? कायला कहती है, डार्लिंग मुझे फ़ोटो क्लिक करवाना पसंद नहीं आता। अपनी डार्लिंग कहती है, प्लीज़ वन पिक्चर्स। अपनी कायला कहती है, ठीक है। अभी जो डार्लिंग है ना, वो कायला के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने लगती है, लाइक सेल्फी ही कर रही होती है। अभी उसका वो कैमरा चालू था, और अचानक से जो कायला होती है ना, वो अपने डार्लिंग के लिप पे किस कर लेती है, और वो फ़ोटो क्लिक हो जाता है। अपनी डार्लिंग को ना वो फ़ोटो बहुत ही अच्छा लगता है। डार्लिंग उस फोटो को जूम करके देखते और कहती है, सच्ची में कितनी ब्यूटीफुल फोटो आई है कायला, वो देखो ना तुम भी। कायला उस फोटो को देखती नहीं और कहती है, आज नाइट को क्या कर रही हो तुम? अपनी डार्लिंग कहती है, मैं स्टडी करने वाली थी। अपनी कायला कहती है, देन ठीक है। अपनी डार्लिंग कहती है, कुछ काम था क्या? कायला कहती है, मैं सोची कि हम एक साथ रहे नाइट में। अपनी डार्लिंग हल्की से स्माइल करके कहती है, क्यों नहीं। अब ये अचानक से अपनी डार्लिंग की नींद खुल जाती है। डार्लिंग ना ये सपना देख रही थी, ये माना एक सपना था बट ये हकीकत था, ये अपनी डार्लिंग के साथ हो रखा था। अभी नाइट के 4 बज गए होते हैं। अपनी डार्लिंग मून की तरफ देखती है, लाइक वो विंडो के बाहर मून की तरफ देखती है और कहती है, उस दिन के बाद से मेरी नींद हमेशा 4 बजे खुल जाती है तुम्हारे सपने के साथ। अभी ये डार्लिंग अपने बिस्तर पे जाके वापस से बैठ जाती है, कान में एयरफोन लगा के गाना सुनने लगती है, और उस गाने के लिरिक्स कुछ ऐसे थे, इतना तुम मुझसे ना प्यार बढ़ा कि मैं के बादल आवारा, कि कैसे किसी का सहारा बनूं मैं बेघर बेचारा। अपनी डार्लिंग होती है ना, वो ये सॉन्ग सुनते सुनते ही सो जाती है वापस से। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। कायला मॉर्निंग ही मैं एकदम रेडी वेडी होके अपने टाइम पे दिशा को पिकअप करने चली जाती है, बट दिशा उस टाइम सो रही होती है। कायला अपने घर वाले से पूछती है, तो घर वाली कहती है कि वो तो अभी सो रही है। अपनी कायला कहती है, इतनी देर तक? घर वाली कहती है, हाँ उसको बुखार है इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। कायला कहती है, व्हाट, उसे बुखार है? और ये कहते ही कायला फटाफट अपने दिशा के कमरे में चली जाती है। देखते हैं तो दिशा सो रही होती है। कायला दिशा के पास जाती है, उसके हेड पे हाथ रखती है, तो लाइक लिटरली में उसको बहुत ही बुखार थे। कायला वहाँ से जाने लगती है, तो दिशा कहती है, मत जाओ, तुमने पैसे दिए हैं ना, मैं तैयार होती हूँ। और ये कह के उठने वाली रहती थी, तभी अपनी कायला कहती है, चुपचाप लेट जाओ, आज तुम्हारा यही काम है कि तुम रेस्ट करोगे। और ये कहते ही कायला वहाँ से चली जाती है। दिशा भी फिर कुछ नहीं कहती है एंड वापस से आराम से लेट जाती थोड़ी देर है। बाद कायला वापस दिशा के कमरे में जाती है, और इस समय अपने कायला के हाथ में पानी था और एक रुमाल था। वो पानी को टेबल पे रखती है, उस पानी के अंदर रुमाल को डालती फिर है, बाहर निकाल के स्क्वीजिंग करके अपने दिशा के सर पे रख देती है, और स्क्वीजिंग को निचोड़ना कहते हैं। अब क्या है ना, मैं जैसे एक्सप्लेन करती हूँ तो दो तीन को लगता है कि अरे यार ये कैसे एक्सप्लेन कर रही है, तो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, स्क्वीजिंग वर्ड भी मैंने क्या कहते हैं गूगल पे जाके सर्च किया है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी तो माफ़ करना, बट मैं अपने इस प्लान को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हल्की सी आंखें खोलती है, कायला का चेहरा उसे थोड़ा ब्लर दिख रहा होता है। अब वो धीरे धीरे ना वापस आंखें बंद कर लेती है, और कायला बार बार पानी के अंदर रुमाल डाल के स्क्वीज कर रही होती है, फिर अपने दिशा के सर पे डाल रही होती है। फिर बाद में जब पानी एकदम हो जाता है ना ख़राब, चेंज करने के लिए वो जाती है, तभी जो वहाँ पे खाना बना हुआ था वो खाने को लेके जाती है, और उसने ना अपनी एक आदमी से मेडिसिन मंगा लिया होता है। फिर वो अपने दिशा के कमरे में जाती है, उसे आराम से उठाती है,
उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। और अभी तिसाना अपने हालत में नहीं थी, लाइक वो इतनी बीमार थी कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो अपने कायला के हाथ से खाना खा ले रही होती है। फिर कायला दवाई खिला के अपने दिशा को वापस से अच्छे से सुला देती है। फिर अपनी जो कायला होती है उस कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही घरवाली बोलती है कि वो ठीक है। अपने कायला कहती है अभी मेडिसिन दिया है, एक दो घंटे में सही हो जाएगी। अपनी घरवाली कहती है वैसे तो बड़ा ख्याल रखती है उसका, क्या तो उसे प्यार करती है। अपनी कायला ये सुन के एकदम शांत हो जाती है। कायला कुछ नहीं कह पाती है। कायला की खामोशी देख के अपनी घरवाली कहती है पक्का तू उससे प्यार करती है, तभी तो तू खामोश है, नहीं तो तू कह देती ना कि ना ना मैं ना प्यार करूँ, बट तू तो कुछ कह ही नहीं रही है। कायला कहती है वैसे आप बिहारी हो या फिर हरियाणवी, क्योंकि आपकी लैंग्वेज बड़ी अजीब है। अपनी घरवाली कहती है अरे मुझे जो पसंद आता है ना मैं तो वो बोल लेती हूँ, तुझे बिहारी चाहिए तो लो बाबू हम बिहारी बोलता नहीं, और अगर आपको हरियाणवी चाहिए तो के छोड़ी के कर रही है मैं सब बोल लेती हूँ। अपनी जो कायला होती है वो कहती है आपको हरियाणवी और गुजराती के बीच में कंफ्यूज हो गए हो। अपना घरवाली कहती है क्या। अपनी जो कायला होती है वो कहती है कुछ नहीं। अभी हमें विक्की को दिखाया जाता है जिसके पास से कॉल आया होता है। विक्की उस कॉल को उठाता है तो वो पर्सन कहता है कायला अभी कोठे पे है, उसी कोठे पे जिस कोठे पे दिशा रहती है। अपना विक्की कहता है ठीक है नज़र रखो उस पे, और ये कहते ही फ़ोन काट देता है। अपना विक्की कहता है वैसे कायला के लिए वो अच्छी जगह है कोठा, वो उसी लायक है, एक बार उसको सख्ती से हटा। हमें कोठे का सीन दिखाया जाता है, उस कोठे पे अपनी डार्लिंग आई होती है, बट डार्लिंग एक कार को देख के रुक जाती है क्योंकि वो कार कायला का है और डार्लिंग को पता है। डार्लिंग कायला का कार देख के अपनी कार वापस बैक कर लेती है। डार्लिंग मन में ही कहती है मतलब कायला कोठे में है, अभी जाना अच्छा नहीं होगा, वैसे कायला जिसको मानती है वो उसके लिए कुछ भी कर देती है, मेरे लिए भी उसने बहुत कुछ किया था, पर बहुत कुछ करने के बाद भी अंत में एक ही परिणाम मिलता है। डार्लिंग कहती है पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे प्यार नहीं करते, और जिससे वो प्यार करते हैं वो हमसे प्यार नहीं करते, कितना कॉम्प्लिकेट रिश्ता होता है ये सारे। ये आप सोच रहे हैं ना कि अपने डार्लिंग और कायला का आखिरकार मैटर क्या है, तो चलिए फ्लैश बैक में ले जाते हैं उस टाइम पे जब कायला अपनी डार्लिंग से पहली बार मिली थी। डार्लिंग एक कोने में बैठ के रो रही होती है और उसकी एज अभी ज़्यादा नहीं रहती है, दोनों ही स्कूल गर्ल रहते हैं, हाई स्कूल। कायला अपनी 12वीं में रहती है, वहीं पे अपनी दिशा जो होती है 11th में रहती है। डार्लिंग बहुत ही रो रही होती है और अचानक से वहाँ पे कायला आ जाती है। कायला और डार्लिंग एक दूसरे को पहले से जानते हैं बिकॉज अपनी जो डार्लिंग है वो माफिया की बेटी है, और जो माफिया है वो गैंगस्टर से थोड़ा अच्छा खासा रिश्ता बना के रखते हैं, और कायला के पापा से तो उनका अच्छा ही रिश्ता था, इसलिए कायला डार्लिंग को जानती है, और उस समय डार्लिंग का नाम डार्लिंग नहीं था। कायला डार्लिंग के पास आके बोलती है कि तुम रो क्यों रही हो। अपनी डार्लिंग कहती है मुझे प्लीज़ इस नाम से मत बुलाओ कायला, मुझे नफरत है इस नाम से, इस नाम की वजह से सारे के सारे मुझे परेशान करते हैं, सारे बोलते हैं कि ये कित्तू कैसा नाम है। अपनी कायला कहती है इतनी सी बात तो तुम अपना नाम चेंज क्यों नहीं कर लेती। डार्लिंग कहती है क्या सच्ची में मैं अपना नाम चेंज कर सकती हूँ। अपनी कायला कहती है तो क्यों नहीं कर सकती हो, तुम्हें मेरा भी तो रियल नाम पता ही होगा, मैंने भी तो चेंज किया है। डार्लिंग कहती है अरे हाँ तो मैं अपना नाम क्या रखूँ। अपनी कायला कहती है मुझे क्या पता, जो रखना है रख लो। अपनी डार्लिंग कहती है अब ये आइडिया तुमने ही दिया है तो प्लीज़ नाम भी तुम सजेस्ट करो। अपनी कायला का ना कोई नाम नहीं देना होता है इसलिए वो ऐसे ही कह देती है डार्लिंग, डार्लिंग नाम अच्छा रहेगा। और अपनी डार्लिंग कह देती है वाह कितना प्यारा नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है, ठीक है तो आज से मेरा नाम डार्लिंग हुआ। कित्तू नहीं, कित्तू सुन के ऐसा लगता है कि कोई कुत्ती बोल रहा है मुझे। अपनी कायला कुछ नहीं कहती और कहती है ठीक है देन मैं जा रही हूँ। अपनी डार्लिंग कहती है कहाँ जा रही हो, मुझे भी ले चलोगी क्या साथ।
और आर्या कहते ही कायला के पीछे जाने लगती है। कायला ना अभी कैंटीन एरिया में जा रही होती है और अपनी डार्लिंग उसके पीछे पीछे ही जा रही होती है। एक्चुअली में जो अपनी डार्लिंग है ना, वो कायला से बहुत पहले से ही प्यार करती है, क्योंकि डार्लिंग पूरी की पूरी लेस्बियन है, लाइक बाइसेक्सुअल नहीं है, वो लेस्बियन ही है, उसे लड़कियाँ ही पसंद आती हैं। अभी वो दोनों कैंटीन एरिया में रहते हैं, कायला खाना खा रही होती है, डार्लिंग कहती है कायला तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? कायला कहती है मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग नहीं है। अपनी जो डार्लिंग होती है वो कहती है एक सॉन्ग तो होगा ही ना। कायला फिर अपनी दिशा की आंखों को याद करती है, लाइक वो अपने दुग्गा की आंखों को याद करती है और कहती है मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकती नहीं, तुझे खुद से मैं रखूंगी सोनिया। अपनी जो डार्लिंग होती है वो कहती है वो कितनी प्यारी पसंद है तुम्हारी। अपनी काला कहती है थैंक यू। अपनी डार्लिंग कहती है क्या तुम मेरी पसंद नहीं पूछोगी? अपनी कायला कहती है चलो बताओ तुम अपनी पसंद। अपनी जो डार्लिंग होती है वो कहती है हंसना मत, मेरे नाम जैसा मेरी पसंद भी बहुत ही अजीब है। अपनी कायला कहती है नहीं मैं हंसती नहीं। डार्लिंग कहती है वो तो पता ही है, बहुत समय से जानती हूँ तुम्हें। अपनी डार्लिंग कहती है मुझे ना वो सॉन्ग बहुत पसंद है, मेरे पापा के फ़ोन में था, मैंने सुना था। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं के बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं मैं बेघर बेचारा। अपनी जो कायला होती है वो कहती है इतनी ओल्ड सॉन्ग तुम्हें पसंद है। अपने डार्लिंग कहती है मैंने कहा था ना मेरी पसंद ऐसी ही है। कायला कहती है नहीं सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, तुम्हें बहुत अच्छे सॉन्ग पसंद है, तुम्हारी पसंद काफ़ी अच्छी है। और ये कहते ही कायला वापस से खाना खाने लगती है और डार्लिंग को ना इतना ही सुन के इतनी खुशी मिलती है कि पूछो ही। अब नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है जो अपनी डार्लिंग है ना वो क्लास में टॉप करती है, वो शुरू से यहीं पे पढ़ती आई है एंड उसके हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट नंबर आते हैं, वो पूरे क्लास में टॉप आती है हमेशा, और वो 11वीं क्लास की भी मतलब 11th क्लास की भी टॉपर रह चुकी है। और एग्ज़ाम आने वाले थे इसलिए जो अपनी कायला है ना वो डार्लिंग से हेल्प लेती है पढ़ाई के लिए, और डार्लिंग ना खुशी खुशी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होती है। और अभी ना एक दिन कायला अपने जो हॉस्टल होता है ना वहाँ पे बुला लेती है कि तुम मुझे पढ़ाने आ जाओ। डार्लिंग भी चली जाती है और वो बहुत नर्वस रहती है क्योंकि अकेले उसे पढ़ाना है और दिल में उसके लिए फीलिंग है। डार्लिंग ऐसे ना कि मन में ही कहती है कि कुछ नहीं करना है उसके साथ, कुछ भी नहीं करना है उसके साथ, मन में ही कह रही होती है कि तू लेस्बियन है इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लड़कियाँ लेस्बियन होंगी। वो शक्ल से स्ट्रेट दिखती है, उसके साथ कुछ गलत नहीं करना है। वैसे मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है बट बिल्कुल नहीं, उसे प्रपोज भी नहीं करना है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़ के चले जाए जैसे बाकी फ्रेंड गए हैं। और ये कहते कहते ही अपनी जो डार्लिंग होती है कायला के घर पे चली जाती है। अब वो घर के अंदर जैसे ही एंट्री करती है देखती है कि कायला ने ना वो स्पोर्ट ब्रा होता है ना वो पहन रखा है और नीचे हाफ सॉक्स पहन रखा है, हाफ शॉर्ट होता है ना वो पहन रखा है। अपनी डार्लिंग क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है बट वो फिर भी अपने निगाहें नीचे करके अंदर जाने लगती है। अब स्टडी चल रही होती है, अपनी डार्लिंग कहती है मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाऊं, चाय लाऊं या फिर तुम ठंडा पियोगी? अपनी जो डार्लिंग रहती है वो कहती है नो नीड, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कायला कहती है अब आई हो तो कुछ पी ही लो और थोड़ी देर की तो बात है नहीं, अच्छा खासा तुम्हें मुझे पढ़ाना है, देन कुछ पी लो। अपनी डार्लिंग कहती है ओके तो कोल्ड ड्रिंक ला दो। अपनी कायला कहती है ठीक है, और ये कहते ही कोल्ड ड्रिंक लाती है और डार्लिंग के पास देने ही वाली रहती है बट उसके हाथ से फिसल जाता है और अपने डार्लिंग के शरीर पे गिर जाता है। कायला कहती है ओ सिट गलती होगी मेरे से, और ये कहते ही टिश्यू पेपर लेके उसके कपड़े साफ़ करने लगती है। और अभी कायला इतने पास दिखी डार्लिंग के दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है। अभी जो कायला होती है ना अचानक से डार्लिंग की आंखों में देखती है और थोड़ी देर फ्रीज हो जाती है। अपनी जो डार्लिंग होती है वो कायला की आंखों में देख रही होती है और धीरे धीरे ना डार्लिंग आगे आ रही होती है और उसके लिप्स थोड़े से ओपन हो रहे होते हैं। अब वो जो उसके बहुत ही क्लोज चली जाती है ना, देन सडनली डार्लिंग रियलाइज़ करती है कि वो क्या करने वाली थी, वो भी गलती करती थी इसलिए वो पीछे होती है
और अपनी नज़रें नीचे करती है, बट अचानक से कायला उसका जो चिन होता है ना, चिन पकड़ के उसकी मुंह ऊपर करके उसे लिप किस कर लेती है। डार्लिंग एकदम हैरान कि वो क्या हो गया, ये कायला किस कर रही है। डार्लिंग समझ नहीं पा रही होती है, बट कोई भी इंसान मेल्टेड हो जाता है, तो वो भी मेल्ट होकर उसे रिटर्न में किस करने लग गई थी और अपनी कायला तो उसे किस कर ही रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों अलग होते हैं तो अपनी डार्लिंग अपनी नज़रें झुका लेती है और सॉरी बोलने लगती है। कंटिन्यू उसने किस किया नहीं था खुद चल के, कायला ने किया, देन उसने रिटर्न में किया, बट वो फिर भी सॉरी बोलने लगती है। कायला डार्लिंग के लिप्स पर हाथ रखती है और कहती है, मैंने चल के किया था, सॉरी की कोई बात नहीं है, अब क्या तुम अपने क्लॉथ को पानी से क्लीन कर सकती हो, बिकॉज तुम्हारे क्लॉथ गंदे हो गए हैं ड्रिंक की वजह से। अपनी डार्लिंग कहती है श्योर, और ये कहते ही अपने वॉशरूम में जाती है, कपड़ा क्लीन करती है, और ये जो मैटर होता है ना, डार्लिंग यहीं पे छोड़ देती है, उस बात को ना वापस रिपीट नहीं करती है। पढ़ाने के बाद वो घर चली जाती है और ना रिग्रेट कर रही होती है कि वो क्यों क्लोज गई। कायला का किस करना उसे अच्छा भी लग रहा होता है, बट कायला ने इस किस के बारे में फिर कुछ बोला नहीं, कुछ भी अप्रोच नहीं किया। देन वो समझ जाती है कि कायला जो है इंटरेस्टेड नहीं है, उसने ऐसे ही जस्ट किस कर दिया है, तो डार्लिंग भी उस बात को छेड़ती नहीं है। बट नेक्स्ट डे जब वो पढ़ाने जाती है, पढ़ा भी रही होती है और इस बार उसको बेड पर पढ़ाने को बोला गया होता है, वो बेड पर पढ़ा रही होती है, बट कायला ना अचानक से डार्लिंग के क्लोज आने लगती है। डार्लिंग एकदम शॉक थी कि ये चल गया रहा है, क्योंकि वो कायला को बहुत ही पसंद करती है। ये नहीं है कि वो छोटी है तेन पसंद हो गया भाई हो गया, ऐसा नहीं, वो सच्ची में पसंद करती है उसे, और उसे बहुत लड़कियों ने ऐसे जैसे ही डार्लिंग लड़कियों को पसंद करती प्रपोज कर देती, तो वो लड़कियां ना लेस्बियन बोल के छोड़ के चली जाती, फ्रेंडशिप तक भी तोड़ देती। इसलिए जो अपनी डार्लिंग है ना, उसके मन में एक डर है कि वो किसी फ्रेंड को भी अपनी सच्चाई नहीं बताती है ताकि वो छोड़ के ना चले जाए। और कायला के समय भी सेम सिचुएशन था, इसलिए कायला जब आगे आ रही होती है तो डार्लिंग पीछे हो रही होती है, क्योंकि वो कुछ गलत चाहती नहीं थी और ये तो कतई ही नहीं चाहती थी कि कायला उससे बात करना छोड़ दे, उसे फ्रेंडशिप तोड़ दे। बट कायला नियरली उसके क्लोज आती जा रही थी, फिर वो सडनली अपने डार्लिंग का हाथ दीवार पे पुश करती है और उसके लिप पे किस करने लगती है, और धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी पे किस करने लगती है। इंटायर बॉडी को किस करने के बाद वो एक स्टेप आगे बढ़ती है, और इस मोमेंट पे अपनी डार्लिंग भी स्टॉप नहीं कर पाती है, और धीरे धीरे माहौल बनते बनते वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अपनी डार्लिंग कायला के बाहों में सोई हुई थी, और अभी डार्लिंग कहती है, कायला ये जो तुमने किया, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अपनी जो कायला होती है वो कहती है, तुम मुझे अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगी? अपनी डार्लिंग ना ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो हाँ कह देती है, वो सडनली हाँ कह देती है, उसे कुछ सोचना ही नहीं था, एंड देन वो यस कह देती है, उसने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया होता और वो हाँ कह देती है। 3 महीने तक अच्छे खासे रिलेशनशिप चलते हैं। कायला डार्लिंग के लिए पोलाइटली थी, अच्छी थी, ऐसा ना कि कभी हल्की सी स्माइल कर देना, ज़्यादा बात अभी भी नहीं करती थी बट हल्की स्माइल कर देना, और था ना कि डार्लिंग कभी भी अपने कायला को अप्रोच नहीं करती थी किसी चीज़ के लिए भी, किस हक के लिए वो करती थी बट किस इंटीमेट इन सब के लिए करती ही नहीं थी, कायला ही आगे जाके अप्रोच करती थी। और वो जो फ़ोटो में किस किया था चिक पे बस नॉर्मली किस किया था, बट कायला ने उसके बाद उसके लिप पे किस कर दिया था। जो डार्लिंग थी कायला को पढ़ा रही थी, घर पे आती तो अपने कायला से ही बात करती, इस वजह से ना वो अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी, और वो 12वीं क्लास में फेल हो गई थी बहुत ही बुरी तरीके से, लाइक वो इतना मार्क्स भी नहीं ला पाई थी कि वो पास आउट हो सके, नहीं वो फेल हो गई थी, उसे फिर से 12वीं कंप्लीट करनी होती है, और कायला उसके क्लास में आ जाती है। मिनिमम जब 6 महीने हो जाते हैं तब भी कायला का रूप अचानक से बदल जाता है। कायला अपनी डार्लिंग को भाव नहीं दे रही होती है और डार्लिंग को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है। डार्लिंग बहुत ही पूछ रही होती है कि मेरे से कोई मिस्टेक हुई तो देन मुझे बताओ, मैं तुमसे सॉरी बोलूँगी, उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी, पर अपने जो कायला है ना उसके पास कोई जवाब ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो अपनी डार्लिंग के किसी बात का भी आंसर कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि डार्लिंग अपने रिलेशनशिप में इतनी लॉयल थी ना और इतनी परफेक्ट थी कि उससे तो गलती हुई ही नहीं है, बट डार्लिंग ने
सॉरी अपनी कायला ने खुद ही रूप चेंज कर लिया था उसके सामने। अब एक दिन ना कायला हमेशा डार्लिंग के पास बैठती थी, बट उसने ब्रांच चेंज कर लिया, उससे बात करना छोड़ दिया, इनफैक्ट उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। अपनी जो डार्लिंग है ना परेशान हो जाती है, उसे समझ में आता ही नहीं है कि वो क्या करे। स्कूल में वो बखेड़ा नहीं चाहती थी सबके सामने, वो अपनी पापा की अपनी इज्जत और इनफैक्ट कायला की इज्जत को मेंटेन करके रखना चाहती थी, ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो एक दिन कायला के हॉस्टल चली जाती है, बट कायला उसको एंट्री भी नहीं देती है। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, ब्लॉक हो गई होती है, कायला इग्नोर कर रही होती है, घर आने दे नहीं रही होती है, देन अपनी जो डार्लिंग होती है वो फाइनली एक फ्रेंड से हेल्प लेती है और बोलती है कि ना बस कायला के पास एक नोट पहुंचा दो। और वो लड़की वो मैसेज पहुंचा भी देती है, वो लिखी नहीं होती है डार्लिंग, बोली होती है कि बस ये बोलना है। और वो फ्रेंड बोल देती है कि अगर तुमने कल नाइट तक डार्लिंग से बात नहीं की देन ही सुसाइडेड, वो अपनी नस काट लेगी या फिर फांसी लगा लेगी। कायला को ना उतना फ़र्क नहीं पड़ा होता है इन सब बातों का, और वो कह देती है कि ओके अब जाओ यहाँ से। वो लड़की चली भी जाती है। हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, कायला स्कूल आई होती है तो देखती है कि डार्लिंग नहीं आई है, बट उसके पास नाइट तक का वक्त था, बट कायला नाइट में भी डार्लिंग से बात नहीं करती है। नेक्स्ट डे जब आती है कायला स्कूल तो देखती है कि डार्लिंग नहीं आई है। फिर नेक्स्ट डे फिर भी डार्लिंग नहीं आई है। 3 दिन तक अपनी डार्लिंग आई नहीं होती है, ऐसे ही 1 वीक हो जाता है। 2nd वीक में क्लास में हम आती है और कहती है डार्लिंग अभी 6 महीनों तक स्कूल नहीं आएगी, उसका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती थी एंड वो घर पे आ चुकी है 2 वीक बाद, बट उसकी जो पाँव की हड्डी थी वो टूट चुकी है एंड उसकी 2nd हैंड की हड्डी भी ब्रोक हो चुकी है, देन वो नहीं आ पाएगी। उसे 6 महीने या फिर 7 महीने तो चाहिए ही रेस्ट के लिए। कायला ये सुन के एकदम हैरान रहती है। कायला ना फिर फाइनली जाके डार्लिंग के घर पे जाती है। डार्लिंग कायला को देख के ना स्माइल करती है और कहती है अक्सर ऐसा क्यों होता है हम हमेशा लेट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अरे वो मजाक कर रहा है। अपनी जो कायला रहती है वो कहती है मुझे तुम इसलिए ही पसंद नहीं हो क्योंकि तुम कमज़ोर हो, ये सब हरकतें कर रही हो, इतनी शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। अपनी जो डार्लिंग होती है वो कहती है ये सब हरकतें, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, 2 महीनों तक तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखा है, 4 महीने हो गए हैं आज कायला और तुम कह रही हो कि मैं कमज़ोर हूँ, सच्चा प्यार तुमने नहीं किया ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि जब आपका प्रेमी आपसे बिना कुछ बोले ना अलग हो जाता है तो कैसा लगता है। कायला मेरी क्या करती थी, तुम ये भी मुझे बता देती ना तो आज मैंने जो ये किया है ना मैं ना करती, बिल्कुल ना करती, पर तुमने कुछ बताया ही नहीं, खामोशी साध ली तुमने, मुंह बंद कर लिया तुमने, तो मैं क्या ही करती, तुम ही बताओ। कायला कहती है मुझे तुम पसंद नहीं हो। डार्लिंग कहती है तो रिलेशनशिप में क्यों आई, क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। कायला कहती है मैंने कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने कहा कि तुम अच्छी लगती हो। डार्लिंग कहती है वाह पसंद और अच्छी में तुमने इतना अंतर ला के जो खेल रही हो ना, लाइक लिटरली मैं तुम्हें गैंगस्टर की बेटी हूँ, मान गई तुम्हें। अपनी कायला कहती है मेरे बाप को बीच में मत लाना। अपनी डार्लिंग होती है वो कहती है अंकल को लाया भी नहीं है मैंने बीच में, अंकल तो काफ़ी अच्छे थे, अपनी लवर से शादी किया था, आज तक शादी नहीं किया है उनने, काफ़ी अच्छे हैं, अंकल को तो मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ। कायला कहती है ठीक है, और ये कहते ही जाने लगती है। डार्लिंग कहती है रीज़न बता के जाओ कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया। चलो ठीक है मैं तुम्हें पसंद नहीं थी, अचानक से कैसे आ गया, अच्छी तो लगती थी ना तो अचानक से मैं तुम्हें अच्छी भी लगने नहीं लगी। आपने कायला कहती है मैं बताना जरूरी नहीं समझती। डार्लिंग कहती है अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं सुसाइड कर लूँगी और एक नोट छोड़ दूँगी जिसमें मैं लिख दूँगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है, और फोटो भी है मेरे पास, सारी सबूत है, पुलिस के पास ले जाऊंगी, तुम्हारे और तुम्हारे पापा की बदनामी होगी, और तुम भूलो मत मेरा बाप माफिया है, जैसे ही पता चलेगा ना
तो तुम्हारे पूरे खानदान में आग लगा देगा। जो उतना तो बचा नहीं है, चाचा है तुम्हारे और तुम्हारे पापा। अंकल को मैं कुछ करता हुआ नहीं देखना चाहती। अंकल के साथ कुछ बुरा हो मैं नहीं चाहती, इनफैक्ट मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ बुरा हो, बट अगर मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला देन मैं ये कर दूँगी। इतनी शरीफ मैं भी नहीं हूँ कायला, इतनी शरीफ नहीं हूँ मैं। कायला इस बात को सुन के ना कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बचपन से ही मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूँगी, तुम्हारे साथ फिजिकल होंगी तो मैं उसे भूल जाऊँगी, बट मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। वो ना मेरे रग रग में बसी हुई है। उसके सिवा किसी और का होना मुझे मंजूर नहीं हो रहा है। डार्लिंग ना एकदम खामोश हो जाती है और कहती है, इतनी सी बात थी। अपनी जो कायला होती है वो कहती है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। डार्लिंग कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, बट समझती हूँ मैं तुम्हें, पर तुम तो मेरे से छोड़ो यार, तुम मेरे से दोस्ती तो नहीं तोड़ोगी, बस इतना बताओ। कायला कहती है, हाँ तुम अभी भी मेरा दोस्त बन के रहना चाहते हो, इतना कुछ होने के बाद भी। अपनी जो डार्लिंग होती है वो कहती है, मैंने सब कुछ खो दिया है, सारे फ्रेंड खो दिए, तुम्हें मैं कभी नहीं खोना चाहती थी और मैं आज भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। नहीं मुझे लवर नहीं बनना है, पर प्लीज़ मेरी फ्रेंड बन के रहो। अपनी कायला ना अपनी कह देती है कि ठीक है मैं तुम्हारी फ्रेंड बन के रहूँगी, और ये कहते ही चली जाती है और उसका जो नंबर होता है ना वो भी ब्लॉक लिस्ट से हटा देती है उसके सामने ही और चली जाती है। कायला के जाते ही डार्लिंग इतना तेज़ तेज़ रोने लगती है, खूब ही तेज़ रो रही होती है वो बहुत ज़्यादा, और कह रही होती है, पसंद नहीं करती थी, अच्छी लगती थी, इसमें क्या अंतर है, क्या अंतर है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे उसका लॉजिक। किसी और को बुलाने के लिए मेरे साथ खेल गई और मैं भी इतनी पागल हूँ जो उसको कुछ बोल भी नहीं पाई। मैं हमेशा अपने रिश्तों में ऐसी क्यों रहती हूँ, मैं क्यों रहती हूँ, क्यों मैं अपने आप को हार्म करने वालों को हार्म नहीं कर पाती, आखिरकार क्यों। कायला आई रियली लव यू यार, और तुमने मेरे साथ जो किया है ना बहुत गलत है, बट मैं तुम्हें कभी भी शराब नहीं दूंगी, क्योंकि कुछ भी हो तुम मेरे प्यार हो। अभी हमारा नया फ्लैशबैक ख़त्म होता है, हमें डार्लिंग को दिखाया जाता है जो कार चला रही होती है और उसकी आंखों में ना आंसू रहता है। अभी ना वो अचानक से अपने कार चलाते चलाते अपने जो कपड़े होते हैं ना स्लीप, हाथ की स्लीप ऊपर कर देती है, और स्लीप ऊपर करते ही उसको ना फिर से वो कट के निशान दिखते हैं और फिर वो अपने स्लिप को नीचे कर लेती And है। एक और फ्लैशबैक टाइम, हमें अपने जो डार्लिंग होती है उसे दिखाया जाता है जो ना एकदम कायला को बोल तो दी होती है कि कोई बात नहीं तुम दोस्त बन के रहो, बट कायला ना फिर भी अभी भी उससे बात नहीं कर रही होती है और उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। उसकी बॉडी ना अब ठीक हो गई होती है, प्रॉपर तरीके से नहीं बट हाँ ठीक हो गई है, वो स्कूल जाना कंटिन्यू कर रही है पूरे 8 साल क्या ज़्यादा हो गया, 9-8 महीने बाद से उसकी बॉडी इस कदर टूटी होती है कि उसे रिकवर करने के लिए 8 महीने लग गए होते हैं, बट वो फिर भी कभी कभी भी उसके अपने पाँव में लेफ्ट हैंड में दर्द होता था। अब वो एक जगह पे बैठी हुई थी, कायला का ये बिहेवियर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, देन वो अपनी नस को काटने लगती है ब्लेड से और बहुत ही ब्रूटल तरीके से काट भी देती है, बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है। तो सडनली एक छोटी लड़की आती है जो उसके हाथ में ना फटाफट पट्टी बांध देती है और कहती है, तुम यहाँ पे प्लेस पे क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ये पार्क है, एक तो नाइट का समय और तुम यहाँ पे अपनी नस काट रही हो, तुम पागल हो, सुसाइड कर रही हो। अपनी जो डार्लिंग होती है अपने हाथ को हटाती है और कहती है, छोड़ो मुझे। अभी जो वो लड़की रहती है वो कहती है, छोड़ूंगी, पक्का छोड़ दूंगी, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे बात करने का, बट पहले गो हॉस्पिटल चलो। अपनी जो अपनी डार्लिंग रहती है वो कहती है, तुम होती कौन हो मुझे कहने वाली। दूसरी गर्ल कहती है, मैं कुछ नहीं होती हूँ कहने वाली, बट फिर भी चलो तुम हॉस्पिटल। अपनी डार्लिंग कहती है, दूर हटो, तुम मेरे बारे में जानती क्या हो, तुम नहीं जानती कि मेरे पे क्या बीत रहा है और मैंने ये क्यों किया है। अपनी जो लड़की रहती है वो कहती है, अगर ऐसे ही
तुम रुकी ना यहाँ पे तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान भी नहीं पाऊंगी, मर जाओगी यहीं पे। चलो तुम, अपनी डार्लिंग कहती है मुझे नहीं जाना है। अब वो लड़की थोड़ी गुस्से में कहती है, अच्छा तो तुम्हारे पास तकलीफ़ है, कितनी बड़ी तकलीफ़ होगी, नस काट लोगी, इतनी बड़ी तकलीफ़ है। अरे तुम क्या जानती हो मेरे बारे में, मेरी बहन के बारे में। तुम्हें पता है मेरे मम्मी मरने के बाद हम ना रोड पे सोते थे इंडिया की, मेरी बहन ने मुझे संभाला है और आज देखो अपनी मेहनत करके मुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा है। अरे वो इतनी मुसीबत में अपना नस नहीं काट रही तो तुम पे क्या ही मुसीबत होगी, तुम्हारे तो कपड़े भी अच्छे खासे दिख रहे हैं, तुम पे क्या मुसीबत होगी। सुन लो लड़की, मैं तुमसे छोटी हूँ पर तुमसे समझदार हूँ, क्योंकि मेरी बहन बहुत ही समझदार है। मरने से ना मुसीबत हल नहीं होती है, तुम कमज़ोर हो इसलिए जो तुम मर रही हो, अगर तुम स्ट्रांग होती ना तो तुम जीती। और ज़िंदगी का तो मतलब ही यही है, दुख सुख तुम्हें सब झेलना पड़ता है। ये क्या बात हुई कि सुख में तुम जीना चाहती हो, थोड़ा सा दुख आया तो तुम मरना चाहती हो। लाइफ में दुख होते हैं पर दुख के बाद खुशी भी मिलती है। तुम सोचती हो कि तुम मर जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा, अरे तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। अगर तुम अनाथ भी हो तो तुम्हारी फ्रेंड तो होगी ना, उन फ्रेंडों का क्या होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई अहत्म नहीं है बट तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ज़िंदगी का कितना अहत्म है। अभी ना वो लड़की बहुत बोल रही होती है और डार्लिंग ना चुपचाप सुन रही होती है। अभी डार्लिंग के हाथ में पट्टी बंधी हुई है टाइटली, इसलिए खून थोड़ा सा तो रुका होता है बट लाइक उसका तो नस है ना। नहीं कटा है बट हाथ बहुत ही अच्छा खासा कट गया है, थोड़ा और कटता तो नस भी कट जाता। वो लड़की कहती है, इतना ज्ञान बांटने वाली, तुम्हारी एज क्या है? मेरी एज 14 है बट तुम्हें देख के लगता है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा समझदार हूँ, समझ गई। अपनी वो लड़की कहती है, वाह पिंडी भर की लड़की और इतना ज्ञान, चलो चलती हूँ मैं पट्टी करवाने। और ये कहते ही डार्लिंग पट्टी करवाने चली जाती है। अपने डार्लिंग के साथ वो लड़की भी रहती है। जब वो लड़की जा रही होती है तो डार्लिंग कहती है, वैसे अपना नाम तो बता दो और अपनी उस महान बहन का तो नाम बता दो जिसकी गुण गान गा रही थी। वो लड़की कहती है, मेरा नाम दिव्या है और मेरी प्यारी सी बहन का नाम दुग्गा है, वो सच्ची में दुग्गा माँ जैसी ही है, बहुत प्यारी है। डार्लिंग कहती है, बहुत अच्छे। और ये कहते हैं, बोलती है, मेरा नाम डार्लिंग है। अपनी दिव्या कहती है, डार्लिंग ये कैसा नाम है। दिव्या कहती है, जैसा भी है मेरा है। अपनी दिव्या कहती है, मुझे क्या करना, जो भी नाम हो। और ये कहते ही चली जाती है। अपनी डार्लिंग भी ऐसी ही खड़ी रहती है और हल्का सा स्माइल करती है। और अभी जो दिव्या है ना, ये अपनी दिशा की ही बहन है और दिव्या ने दिशा को दुग्गा इसलिए कहा था क्योंकि पहले वो दुग्गा ही कहती थी बट जब दिशा ने बोला कि अब से मुझे तुम दुग्गा नहीं कहोगी दिशा ही कहोगी, तब से अपनी जो दिव्या है वो दिशा ही कहने लग गई है। फ्लैश बैक ख़त्म। अभी अपनी डार्लिंग कार चला रही होती है और वो कहती है, अगर उस दिन तुम ना आए होते तो शायद मैं मर जाती। और ये कहते ही डार्लिंग फिर से कार चलाने लगती है। हमें दिशा को दिखाया जाता है जिसकी आंखें ना हल्की हल्की खुल रही होती हैं और उसको अभी बेटर फील हो रहा होता है। वो बाहर जाती है तो घरवाली उसे मिलती है। घरवाली कहती है, उठ गई तू। अपनी दिशा कहती है, घरवाली कायला आई थी क्या, मुझे ऐसा लगा। अपनी घरवाली कहती है, कब से तेरा ही ख्याल रख रही थी। अभी वो अपने कार में है, रेस्ट कर रही है थोड़ा सा क्योंकि वो अंदर करती ही क्या, तुझे वो चाहती थी कि तू अकेले आराम से सो जाए इसलिए वो अपने कार में बैठी हुई है। दिशा बिना कुछ सोचे समझे उस कार की तरफ जाती है, देखती है कि कायला का विंडो ओपन है और वैसे ही सो रही है और लड़के ना उसे घूर रहे होते हैं, कायला को लाइक वो होते हैं ना ठरकी लड़के देख रहे होते हैं। दिशा गुस्से में उन लड़कों को कहती है, क्या कोई काम नहीं है क्या, निकल जा चुपचाप यहाँ से। अभी ना दिशा बहुत सुना रही होती है जिस वजह से कायला की नींद खुल जाती है। कायला कार से बाहर आती है और कहती है, इन लड़कों ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या। और ये कहते हैं ना अपने जो पैंट होता है ना उसमें से गन बाहर निकाल देती है और कहती है, बताओ कुछ किया हो तो। अपने वो लड़के डर के भाग जाते हैं। दिशा बोलती है, अरे अरे गन बंद करो, गन अंदर रखो, ये ज़रूरी नहीं है हमें सब बंदूक दिखाना। अपनी कायला कहती है, मुझे लगा इन लोगों ने कुछ किया है तुम्हारे साथ। दिशा कहती है, कुछ नहीं। अपनी कायला कहती है, वैसे तुम ठीक हो, तुम्हें बेटर फील हो रहा है। दिशा कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है।
मैं नहाने जा रही हूँ। और ये कहते ही बिना कुछ बोले नहाने चली जाती है। काला कहती है, इससे क्या हुआ? दिशा कहती है, अंदर वो जा रही होती है और वो अपने आप से ही बुनबुना रही होती है, हमेशा गन निकाल देती है, क्या जरूरत है ऐसे। हैरी को दिखाया जाता है, हैरी फिश पॉन में फिशेस को खाना खिला रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार सैम किस लड़की को पसंद करता है। वो बस यही सोच रहा होता है बहुत ज़्यादा। अभी हमें सैम को दिखाया जाता है जिसको हिचकी आ रही होती है, वो पानी पी रहा होता है कंटिन्यू। और वो अभी ना किसी के साथ रहता है, लाइक एक गन की डील ही होती है, कायला की जगह अपना सैम संभाल रहा होता है। सैम वहीं पर रहता है, उसको इतनी हिचकी आ रही होती है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, बता नहीं पा रहा होता है कि कौन सी गन कितने स्पेशल है, किसमें क्या फीचर्स है, किसमें कितनी गन्स, मतलब से ना कि गोलियाँ आती है। बेचारा सैम हिचकी खाया ही जा रहा होता है। चलिए इसको हिचकी खाने देते हैं। कहानी शिफ्ट होती है अपने विक्की पे। विक्की कहता है, क्या? उसके सामने एक लड़का खड़ा था। वो लड़का कहता है, हाँ कहा गया है कि दिशा इन दिनों किसी से नहीं मिलेगी, नेक्स्ट वीक आके मिलना होगा। अपना जो विक्की रहता है वो कहता है, कोठे वाली लड़कियों की बेटा हम होते हैं क्या? बड़ी हाई फाई कोठे वाली लड़की है, चलो देखे तो एक नाइट उसके साथ पैसे दे के हंस मस्ती करूँगा। देखो तो ऐसा उसमें क्या है जो कायला उसके पीछे घूम रही है, मतलब उसके साथ है। हाँ वैसे एक कोठे वाली लड़की को कोठे वाली लड़की ही पसंद आएगी, बट फिर भी दिशा। और ये कहता ही वो एक ईवल सी स्माइल करता है। अभी हमें दिशा को दिखाया जाता है जो अभी बाथ ले रही होती है, मतलब वो बाल्टी से नहा रही हो रही है होती है, मस्त अपने बाल को कवर अप कर लेती है क्योंकि उसने ना बाल धोए थे, और चली रही होती है। तभी अचानक से ना वो फिसल जाती है और वो गिरने वाली रहती है। तभी अपनी कायला उसे होल्ड कर लेती है। कायला और दिशा एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर दिशा उठती है और कहती है, हाँ यहाँ पर तेल किसने गिराया? वहाँ पर तेल गिरा हुआ था जिस वजह से अपनी दिशा फिसल गई होती है। दिशा कहती है, थैंक यू बचाने के लिए, और ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है, बिल्कुल नहीं रुकती है। कायला ना अभी दिशा को जाते हुए ही देख रही होती है, फिर अचानक से कायला थप्पड़ मारती है और कहती है, क्यों 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 दिशा की आँखें मुझे तुक्का जैसी लगती हैं, आखिरकार क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है दिशा कि तुम तुक्का ही हो, कुछ भी हो, अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, मुझे अपने शक को सच में बदलना पड़ेगा। हमें दिशा को दिखाया जाता है जो फटाफट गेट बंद करती है, बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने दिल पे हाथ रख लेती है, और ना कायला का वो फेस याद कर रही होती है जब उसने उसे होल्ड किया था। फिर अपनी दिशा अपने गाल पे हल्के से स्लैप मारती है और कहती है, ओह उस नक्चरी लड़की को क्यों याद कर रही हूँ मैं, क्यों मुझे अच्छा लग रहा था उस समय, बिल्कुल नहीं मुझे अच्छा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। और ये कहते ही वापस से हल्की से स्लैप करती है, फिर बाद में अपने बालों को ओपन करती है, उसको ड्राई कर लेती है, फिर बाद में एकदम नॉर्मल सी पोनीटेल करके गेट खोल लेती है। अपनी दिशा फिर कायला के पास जाती है और कहती है, चले? कायला कहती है, कहाँ पे? दिशा कहती है, तुम्हारे साथ चलना है ना, तभी तो तुम आई हो, पैसे मिले हैं मुझे, काम तो करूँगी ही। अपनी कायला कहती है, तुम्हें आज रेस्ट करना चाहिए। अपनी दिशा कहती है, नहीं ज़रूरत नहीं है। और ये कहते ही बोलती है कि चलना है तो चलो। अपनी कायला कहती है, नहीं तुम रेस्ट करो। दिशा फिर कुछ और नहीं कहती है और कमरे में जाने लगती है, बट हल्की फुल्की बुनबुना के, पता नहीं मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती, पता नहीं क्या हो गया, चलो जो भी हुआ क्या हो गया, मैं यहाँ पर रह के यहाँ का काम कर लूँगी। और ये कहते ही जाने लगती है। अभी जो कायला और दिशा की बात है ना, दूर खड़ी होकर घरवाली सुन रही होती है। घरवाली कायला के पास आती है और कहती है, तुझसे एक बात कहूँ? कायला कहती है, बोलो। अपनी घरवाली कहती है कि इसको यहाँ से ले ही जाएगी ना तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रुकेगी तो कुछ ना कुछ काम करती रहेगी, वैसे भी वो बीमार है तो उसे ले ही जाएगी तो ठीक रहेगा। अरे ले जा, बात बात कर, तभी तो तू उसको अच्छे से जान पाएगी, तभी तो तुम दोनों साथ में रह पाओगे। रिश्ता बनाने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। अपनी जो कायला होती है वो देखने लगती है। कायला कहती है, व्हाट यू मीन? घरवाली कहती है, अरे मीन मीन कुछ नहीं, मुझे पता है कि तू पसंद करती है, तेरे आंखों में ही देख के लगता है, अब तो कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कायला कहती है, एक्सपीरियंस? अपनी घरवाली कहती है,
अरे अरे वही, मुझे बहुत ज़्यादा पता है। और ये कहते ही जाने लगती है। कायला फिर कुछ नहीं कह पाती है। कायला फिर दिशा को कहती है उसके पास जाके कि चलो मेरे साथ। दिशा कहती है अभी तो नहीं जाना था। अपनी कायला कहती है पर अभी जाना है। फिर दिशा भी कुछ नहीं कहती है और कायला के साथ कार में बैठ जाती है। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या अच्छा लगा है और क्या खराब लगा है। और मुझे पता है कि इसमें डार्लिंग का सीन कुछ ज़्यादा था, बट क्या करती, डार्लिंग का पास्ट भी तो बता था ना, कब तक हल्का फुल्का बताती रहती। मैंने सोचा इस पार्ट में कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि मैं आगे अच्छे से कंटिन्यू। और मुझे कर पता है पाऊँ। कि कहानी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आपको बोर कर रही होगी। और अगर आपको बोर कर रही हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ बट क्या करूँ, ऐसे ही बना पा रही हूँ मैं देन। पर मैं फिर भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और मेरी इतनी गलतियों को भी देख के आप मेरे एफएफ सुनते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, शिव एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।